So now, first of all, I am sharing the screen with all of you. So I have shared it. अब मैक्रो पे काम करना है हमें, तो मुझे एक ये जो पुरानी जो फाइलें खुली हुई हैं इन्हें मैं हटा देता हूँ, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ. सो सबसे पहले हमने ओपन करना है एक्सेल. और इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से एक्सेल की शीट को. और फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था, मैंने उसके नोट्स कहीं बनाए होंगे तो मुझे अभी पता चल जाएगा. तो फर्स्ट क्लास के नोट्स मुझे यहाँ संडे वीबीए बैच में मिल जाएंगे, दिस वन. तो मैंने कुछ ये पढ़ाया था, 22 तारीख को क्लास हुआ था आज से 7 दिन पहले. तो मैं थोड़ा सा रिकैप टाइप ले लेता हूँ, आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा. बाद में रिकॉर्डिंग तो है, समझ लेना, कोई इशू नहीं है. तो हमारा पहला दिन चला था जिसमें मैंने बताया था वीबीए और मैक्रो क्या होता है. तो मैंने डिफरेंस बहुत छोटे शब्दों में बता दिया था कि वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैक्रो जो होता है प्रोग्रामिंग का कोड होता है. तो अगर आपको वीबीए आती है तो आप कितने भी मैक्रो बना सकते हैं, बट अगर आपको मैक्रो आता है तो प्रोग्रामिंग नहीं सीखी जा सकती है, ध्यान रखिएगा. इसलिए वीबीए मस्ट है. अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग द वीबीए यू कैन चेंज और मॉडिफाई यूर ऑन क्रिएटेड मैक्रो. इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्पीड एंड द ऑटोमेशन. यानी अगर आपको वीबीए आ गई तो आप अपने खुद के मैक्रो बना सकते हैं. कोई बना हुआ मैक्रो अगर आपको दे दिया जाए तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. तो हमारे पास एक पावर आ जाएगी, हमें वीबीए का कोड समझ में आने लगेगा. तो इसके साथ साथ इसको आने से हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी और अपने काम को हम ऑटोमेशन दे सकते हैं. तो हमारा काम अपने आप होने लगेगा, बटनों के ऊपर ही हम मल्टीपल टास्क कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे. हमें एक एक बटन पे क्लिक कर करके काम नहीं करना पड़ेगा, हम अपना खुद का एक छोटा सा डैशबोर्ड बना लेंगे, बटन में अपना मैक्रो अटैच कर देंगे और वो उस काम को फटाफट से कर देगा. तो वीबीए में जब हम कोड करते हैं तो कोड हमेशा मॉड्यूल के अंदर किया जाता है. वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कहाँ करते हैं, ठीक है. कोड हमेशा कहाँ करते हैं, मॉड्यूल के अंदर करते हैं. जब मॉड्यूल में आप कोड करेंगे तो दो तरीके से कोड किया जाता है, एक होता है सब प्रोसीजर और एक होते हैं फंक्शन. तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको मैक्रो बनाना है तो मैक्रो हमेशा सब प्रोसीजर में बनते हैं. अगर आपको एक्सेल में जैसे फंक्शंस होते हैं ऑलरेडी इनबिल्ट, आज हमने फंक्शन सीखे थे, अगर इस तरह के अपने खुद के फंक्शंस बनाने हैं तो भाई वो फंक्शंस में बनेंगे. दोनों को बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है. तो बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपको अपने मैक्रो बनाने तो किसमें बनेंगे, सब मैक्रो में बनेंगे, और फंक्शंस बनाने तो सिंपल फंक्शंस में बनेंगे. ये दोनों के दोनों जो कोड होते हैं ये मॉड्यूल के अंदर लिखे जाते हैं. अब मैं जरा इनसे आपको रूबरू करा देता हूँ कि ये मॉड्यूल में कैसे करते हैं काम, ये होता कहाँ पर है मॉड्यूल. आपको अपनी एक्सेल की विंडो पे जाना है और अपना खुद का मैक्रो बनाने के लिए आपको जाना होगा मॉड्यूल में. तो उसके लिए आप विजुअल बेसिक के एडिटर विंडो पे जाएंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है, आपको वो शॉर्टकट की अपने कीबोर्ड से दबा देना है. और वो शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस F11. तो इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, द शॉर्टकट की इज ऑल्ट F11. तो ये मैं दबाने जा रहा हूँ. तो मैंने ये शॉर्टकट की दबाया, जैसे ही मैं शॉर्टकट की दबाऊंगा यहाँ पर एक मैक्रो की विंडो खुल जाएगी. साइड में एक्सेल की विंडो चिपका देता हूँ, देखिए दोनों विंडो मेरे पास पैरेलल यहाँ सामने सामने दिख रही हैं आपको. ये मैं लगाया, ओके डन. और ये मैक्रो का विंडो, ठीक है, पैरेलल मैंने खोल लिया. अगर आपके पास विंडो 10 है तो ये काम आप भी कर सकते हैं, मल्टीपल स्क्रीन को ऐसे शेयर किया जा सकता है. ऐसे पकड़ो टॉप से और इसको लेफ्ट साइड स्क्रीन को टच कर दो, ये अपने आप हाफ में डिवाइड हो जाती है. बाकी स्क्रीन अगर कहीं पर भी हो ऐसे इसको पकड़ो और लेफ्ट साइड राइट साइड जाके ऐसे टच कर दो, तो ये अपने आप डिवाइड हो गए, देखिए ऐसे. तो दोनों पे काम करेंगे, यहाँ कोड बनाएंगे यहाँ देखेंगे, यहाँ कोड बनाएंगे यहाँ देखेंगे, आसानी से सीख जाएंगे आप. इंसर्ट पे जाना होता है, यह होता है मॉड्यूल. मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, मॉड्यूल पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कोड लिखना होता है. तो मेरे को एक मिनट दीजिएगा, बैटरी शायद मेरी डाउन बोल रही है, इसको चार्जिंग पे डाल देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट. देखिए अब यहाँ पर तो मुझे यहाँ पे कोड लिखना है, यहाँ पर उसको रन करके देखना है. तो मैं आपको आज अपना पहला मैक्रो, यानी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग पहली बार सीख रहे हैं तो आप लोगों के लिए पहला मैक्रो होगा. तो हम एक मैक्रो बनाएंगे यहाँ पर, उसको रन करके देखेंगे, फिर मैं उस मैक्रो को बटन पर रन करके दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा कैसे कैसे होता है. तो यहाँ पर मैक्रो हम बनाने जा रहे हैं. मैक्रो हमेशा बनता है एक डेवलपर टैब से. थोड़ा एक्सेल की विंडो को मैं एलाबोरेट करता हूँ, एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ. यहाँ पर एक टैब होता है डेवलपर नाम का, ये रहा. इस डेवलपर टैब में ये जो बटन होता है विजुअल बेसिक का, इस पर क्लिक करने से वो विंडो खुलती है जो ये रही, ठीक है. तो ये विंडो कोई हमने जादू से नहीं खोली है, ये इसके अंदर ऑलरेडी फीचर होता है. और जो भी मैक्रो आप बनाते हैं रिकॉर्ड करते हैं वो सारे मैक्रो इसमें दिखाई देते हैं, इस विंडो में दिखते हैं आपको, ठीक है. कोई मैक्रो अगर आपने पहले से बना दिया है, यस, ओके. तो अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं है, आप लाना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से आ जाएगा. आपको फाइल पे जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कस्टमाइज रिबन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, एक विंडो आ जाएगी. इस विंडो में आपका ये जो ऑप्शन होता है ये अनचेक होता है, आपको चेक करके ओके करना है, बस आपका डेवलपर टैब हाजिर हो जाएगा.
ओके, ये कर लीजिएगा, बड़े आसानी से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। और तब भी नहीं आया तो डोंट वरी, मेरे पास आना, मैं बताऊंगा कैसे आएगा, कोई ना कोई तरीका जरूर दूंगा आपको। आ ही जाएगा, पहली चीज तो आ ही जाएगा, 99% आ जाएगा। अब चलो कोडिंग पर जाते हैं, अब कोडिंग पर जाते हैं, तो थोड़ा इसको मैं साइड में लगाता हूँ। चल भाई, इसको साइड में किया हमने और इसको भी साइड में किया। अब कोडिंग देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर मैक्रो बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था अपने कोड नोट्स में, कहाँ गया ये रहा, कोड नोट्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोडिंग करते हैं मॉड्यूल के अंदर करते हैं, हमने इस बात को माना और मॉड्यूल पे आ गए। देखो ये मॉड्यूल है। अब हमने यहाँ देखा कि मॉड्यूल में हम कोडिंग दो तरीके से करते हैं, एक तो फंक्शन बनाने के लिए और एक मैक्रो बनाने के लिए। भाई देखो, फंक्शन पे अभी टाइम नहीं आया, फंक्शन अभी नहीं बना पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, मैं पहली बार सीख रहे हैं तो भाई कहाँ से आएगी, सीखना पड़ेगा ना। तो मैक्रो बनाएंगे पहले हम, मैक्रो जब सीख जाएंगे तो प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी। तो पहले हम मैक्रो बनाएंगे। मैक्रो किस में बनते हैं? सब प्रोसीजर में बनते हैं। तो चलिए यहाँ मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये मेरी एक्सेल की विंडो, ये मेरा मैक्रो। मैक्रो बनाना है सब के अंदर। आप लिखें सब और अपने मैक्रो का नाम दे दें, अच्छा सा, तो अच्छा सा नाम दे देना, याद रहेगा। तो मैं इसको क्या नाम दूँ यार, क्या नाम दूँ, मैसेज बॉक्स दे देता हूँ, मैसेज बॉक्स। तो मैं एक मैसेज बॉक्स बनाना सिखाऊंगा आपको, तो मैंने इसका नाम दे दिया मैसेज बॉक्स। अब मैं इस मैसेज बॉक्स में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैसेज बॉक्स में लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट कोड। आप कहेंगे ये क्या लिखा है सर, ये कमेंट होता है, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ वो मेरे प्रोग्राम में रन नहीं होता है। ये सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखा है, ताकि कल को अगर आपको ये कोड मिलता है तो आप समझ जाए ये मैंने क्यों लिखा है। तो ये कमेंट्स होता है, आप यहाँ पर कोई गाना लिख सकते हैं, कोई स्टोरी लिख सकते हैं, एनीथिंग एल्स, डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। जस्ट कमिट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एक होता है रैम। आप रैम लिखें, इससे भी जो है कमेंट बन जाता है। सो दिस इज माई सेकेंड कमेंट, दिस इज माई सेकेंड वे टू क्रिएट कमेंट। तो देखो इससे भी कमेंट बनता है, ये भी आपके कोड में रन नहीं होता, यानी जब इस कोड को रन किया जाएगा तो जो ये आपका मैक्रो होता है वो इस कोड को पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं आता। इसे ऐसे मान लीजिए, इसको पढ़ना नहीं आता, जैसे कई चीज हमारे सामने अगर चाइनीज भाषा में लिखी हुई आ जाएंगी तो मैं पढ़ नहीं सकता। ऐसे ही मान लीजिए मैक्रो को ये भाषा पढ़नी नहीं आती कमेंट वाली, तो वो उसे पढ़ता नहीं है, तो इसलिए कमेंट बनाकर हमारे प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको बेहतरीन बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं उसमें। अच्छा, अब मैं आपको मैसेज बॉक्स बनाना सिखाता हूँ। तो मैसेज बॉक्स बनाने के लिए हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जिसका नाम होता है मैसेज बॉक्स। आप ये लिखेंगे और यहाँ पर कोई भी मैसेज आप दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैंने पहला मैसेज अपना आप बना दिया है, ये मेरा एक मैसेज बॉक्स तैयार हो गया है। अब इसको रन करना सीखते हैं, ये रन कैसे होता है, रन कहाँ करना है, कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। रन करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस की जाती है एक शॉर्टकट की, वो शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा, वो होती है F5। नोट कर लीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें बाद में आपको पता भी नहीं चलेगी मैं कोड रन कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर रन कैसे हुआ, तो मैंने पहले इंडिकेट किया है द शॉर्टकट की दैट इज F5। कई लोगों के कीबोर्ड में F5 दबाने से काम नहीं करेगी, तो कीबोर्ड में जरा ध्यान से देखना, Fn करके की होती है फंक्शन की, उसको होल्ड करके दबा लेना तब काम कर जाएगी। तो अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीकों से आप इसको रन कर सकते हैं। तो मैं अभी से रन करने जा रहा हूँ, मैं प्रेस करूंगा F5। तो देखिए मैंने रन किया, आपके सामने मैसेज आ गया हेलो फ्रेंड्स। अब ये रन कैसे किया मैंने, मैंने कुछ नहीं है, मैंने F5 दबाया। देखो मैं कितनी बार F5 दबाऊंगा ये मैसेज मेरा रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा पहला मैक्रो का कोड कि मैसेज बॉक्स कैसे बना सकते हैं। ऐसे गो टू द इंसर्ट देन क्लिक ऑन मॉड्यूल, सो गो टू द इंसर्ट देन क्लिक ऑन मॉड्यूल। ये स्टेप है ना, पेपर पेन लेके छोटी छोटी चीजें लिखते रहो, वरना बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मेरा सारा 8 घंटे का सेशन प्रैक्टिकली चलेगा। लिखने के लिए थ्योरी में बस पता है क्या होगा, अब इतना ही होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ बस, तो सारा प्रैक्टिकल चलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज पे हमें काम करना है, तो चीजों को समझना है, पेपर पेन निकाल के बैठिए, छोटे छोटे स्टेप्स उनको नोट कर लो, हम इंसर्ट पे गए, मॉड्यूल पे गए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने ये मैसेज बॉक्स लिख लिया। अब मैं आपको ये मैक्रो को बटन पे अटैच करना सिखाऊंगा। आप देखो ध्यान से कैसे करते हैं, ये एक्सेल की विंडो है, मैं एक बटन बनाकर उसके ऊपर अटैच कर दूंगा मैक्रो को। बटन कैसे बनेगा, गो टू द डेवलपर देन कंट्रोल्स देन इंसर्ट क्लिक ऑन बटन, ये बटन होता है, बना दीजिए, बटन बन गया। उसके बाद ये मैक्रो सिलेक्ट करना है, देखो ये आ गया, ओके करना, बस हो गया काम। अब इस बटन पर जब भी क्लिक करेंगे आपका मैक्रो रन होगा, देखो हो रहा है ना, देखो ये रहा, ये देखिए। अब बटन मैंने ऐसा बनाया, छोटा करना है, डिजाइन करना है, वो आपके हाथ में, देखो सुंदर सा बना लो। नाम को चेंज करना है, आप माउस लिख कर एडिट टेक्स्ट कर लो, वो आपके हाथ में, देखो कैसा बनाना चाहते हो आप, वो आप लिख लीजिए। मैंने लिख दिया मैसेज, ये मेरा एक बटन बन गया। तो अभी आपने एक छोटा सा डेमो देखा, अच्छा ऐसे चलता है, देखिए
ठीक है, एक बार कंफर्म करें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाउ टू वर्क ऑन अ मैसेज बॉक्स। मैं आ रहा हूँ चैट विंडो पे। देवी जी आपको क्लियर है? देवी प्रसाद जी ठीक है, तो हमने पहला कोड सीख लिया अपना मैक्रो का। अब थोड़ा देखता हूँ स्क्रीन में मैंने उस दिन पहली क्लास में क्या पढ़ाया था। पहले भाई इसको बंद करते हैं, एडवांस एक्सेल तो खत्म हमारा वीवीए। अच्छा फंक्शन मैंने अभी बताए नहीं थे, कमिट मैंने आपको अभी बता ही दिया है ऑलरेडी। अब उसके बाद मैंने कुछ सेल रेफरेंसिंग के बारे में बताया था कि सेल से रेफरेंस कैसे लेते हैं। तो कोड को देखकर घबराए ना, बहुत ही छोटा सा कोड है, अभी समझा देते हैं आपको। ये मेरी मैक्रो का कोड है और ये मेरा एक्सेल का विंडो है, ठीक है। तो इसको साइड में लगाते हैं, साइड में लगाया। अब मैं आपको इसमें सेल रेफरेंसिंग समझाऊंगा, यानी किसी भी सेल को आप मैक्रो के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे। मान लीजिए मैं इस सेल में कुछ लिखना चाहता हूँ, यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ लिखना चाहता हूँ, यानी कहीं पर भी कुछ भी अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे फिर से एक मैक्रो बनाना पड़ेगा। तो या तो आप यहीं पर बना लें दूसरा मैक्रो, या फिर इंसर्ट में जाके मॉड्यूल पे क्लिक करें तो बेहतर होगा। इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल पे क्लिक करें तो बेहतर है, पहली बार कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोड में कोड मिक्स हो गया ना अगर आपका, तो कोड खराब हो जाएगा सारा, इसलिए अलग से बनाएं। अब यहाँ पर मैं एक और मैक्रो बनाऊंगा सब, और मैक्रो का नाम लूंगा सेल रेफरेंस। ये नाम मैं खुद ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, मेरा मन करे, आपका मन करे आप शेर खान लिखो, कुछ भी लिखिए आप, इट्स योर चॉइस। मैं यहाँ पर शेर खान भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर चेयर भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर टेबल भी लिख सकता था, बट मैंने मीनिंगफुल नाम लिया, कुछ मीनिंग होना चाहिए ना भाई समझने के लिए, लाइक जस्ट आई एम यूजिंग अ कन्वेंशनल मीनिंगफुल नेम, तो इसलिए मैंने सेल रेफरेंस यहाँ पर नाम लिया है। अब देखिए मेरे को मान लीजिए इस सेल में कुछ लिखना है, इस सेल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस सेल में कैसे जाऊंगा, तो मैं इस सेल में जाने के लिए यहाँ पर लिखूंगा एक कोड। कैसे लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। दिस वर्कबुक का मतलब होगा ये वाली वर्कबुक जो मेरी खुली हुई है, ठीक है। अब लिखा मैंने शीट्स, शीट्स कौन सी यूज करनी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है शीट वन, तो मैंने यहाँ उतारा शीट वन, ठीक है। मुझे किस सेल को टारगेट करना है, इसको, तो इसके लिए मैं लिखूंगा सेल्स। अच्छा सेल का नंबर क्या है, 4 और 2, ये देखो चौथी रो है दूसरा कॉलम है, तो मैं लिखूंगा 4, 2। क्या डालनी है मुझे इसमें, वैल्यू डालनी है। कैसे, क्या डालना, डाल दीजिए जो मन करे, मैंने यहाँ पर डालना है माई वीबीए, ऐसे मेरे को ये लिखना है इसमें, बस मेरा कोड तैयार हो गया, बस ये कोड लिख दिया मैंने। अब इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, तरीका बताया था ना आपको रन करने का, F5 दबाना है। तो मैं कभी रन करूंगा और स्क्रीन रन हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा क्या करा, तो मैं F5 दबाऊंगा तो पता नहीं चलता ना मैंने F5 दबाया, तो मैं आप F5 नहीं दबाऊंगा, मैं आपके सामने ये बटन दबाया करूंगा, ये भी F5 ही होता है, आप F5 दबाएं या बटन दबाएं दोनों का काम एक है। तो मैं इसको दबाऊंगा, देखिए आ गया ना माई वीबीए। आपका पॉइंटर कहीं पर भी, देखो फिर से देखिए, आपका पॉइंटर कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बटन दबाना है, उसी सेल में जाएगा डाटा माई वीबीए, यानी गोली वही लगेगी जहां आपने सेट करी है। तो हमने गोली यहाँ लगाई है तो यही लगेगी गोली। अब थोड़ा इस कोड को मैं एक और कोड बनाता हूँ, इसी कोड में आगे बढ़ता हूँ, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अच्छा अब मान लीजिए मेरे को इन दो सेल में, इस वाले सेल में और इस वाले सेल में नंबर लिखना है, समथिंग लाइक मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है N1 और यहाँ लिखा हुआ है N2, तो दोनों सेल में यहाँ पे नंबर डालने हैं मुझे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो नंबर कैसे डालूंगा, शीट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे नंबर डालने हैं। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैंने एक तरीका तो आपको ये बताया, इसको कमेंट कर देता हूँ, मेरे को इस तरीके की यूज ही नहीं करना है। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं इसमें वैल्यू डालने का। अब देखो अगर इसमें आपके पास काफी सारी शीट्स हो, ऐसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, और मैं शीट वन पे ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, दिस वर्कबुक शीट शीट वन बल। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे शीट 3 में काम करना है, मतलब यहाँ रहते हुए गोली शीट 3 में चलानी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा पूरा पूरा दिस वर्कबुक शीट शीट 3, तब तो ये वैलिड है, तब ये ओके है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, कॉपी पेस्ट, शीट का नाम डाला मैंने शीट 3, तो ये क्या करेगा, शीट 3 के सेल नंबर 4 और 2 को टारगेट करेगा और गोली चलाएगा वहां पर माई वीबी की। देखिए मैं रन करता हूँ, ये मैं अभी कहां पर हूं, मैं शीट 1 में हूं, देखिएगा इसने कर दिया काम, जाकर चेक करो, ये देखिए इसने गोली चला दी वहां पे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आ रही होगी। अच्छा अब मैं शीट 1 में हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब मैं शीट 1 में हूँ, तो मुझे शीट 1 पे ही काम करना है, तो इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखिए यहाँ पर ऐसे सेल्स 4, 2 डॉट वैल्यू माई बी बी ए। देखिए मैंने डायरेक्ट लिखा, अब ये क्या करेगा, मैं तो जिस शीट को खोलूंगा उसी शीट पे काम करेगा ये। अब मैंने शीट 2 को खोला हुआ है, देखिए मैंने शीट 2 को खोला हुआ है, बटन दबाया, ये शीट 2 पे काम कर रहा है। अच्छा चलो शीट 1 को खोला हुआ है, मैंने शीट 1 पे काम कर रहा है, सुपर। मैंने शीट 3 को खोला हुआ है, शीट 3 पे काम कर रहा है। अब एक बार कंफर्म कर दे, क्या आप लोग को ये चीजें समझ आ रही हैं? ओके वो कहां है हमारे साथ के अरविंद जी, डिस्कनेक्टेड?
अरे यार, उनको कॉल करूं क्या, रीजन हो गया, नेटवर्क खत्म हुआ, क्या हुआ, एक बार कॉल कर लेता हूँ, जस्ट वेट करें, उनका नंबर देखना पड़ेगा मुझे। 8 9 7 8 9। चलिए, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट कॉलिंग। हेलो, अरे अभी आएगा, उसका कोई कोई टाइम है, कुछ लग रहा है आ सकता है तो। अच्छा, मैं अभी क्लास को तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, आप ज्वाइन करिएगा बीच में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर द रिकॉर्डिंग, बट ओके। तो यहाँ पर उनका इंटरनेट इश्यू हो गया है, तो वो ट्राई कर रहे हैं 5 6 मिनट में, देवी प्रसाद जी वो करेंगे ज्वाइन, बट मैं तो क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ यार। यहाँ देवी प्रसाद जी, उनका इंटरनेट इश्यू हो गया है जिसकी वजह से उनका डिस्कनेक्ट हुआ है, वो 5 6 मिनट में फिर दोबारा ट्राई करेंगे, बट मैं तो क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, हम कोर्स को डिले नहीं कर सकते हैं, प्लीज। हाँ, चलिए, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, मेरे को अच्छा लगा जानकर कि आपको ये चीजें समझ में आई। अभी आपको वीबीए का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत होगा, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन पहली बार में आपको इतना समझ आ गया कैसे कर सकते हैं कोड, ठीक है। बाकी जब मेरा क्लास खत्म होगा तो ये कोड मैं आपको शेयर करूंगा, हर लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो आप इन कमेंट्स वाले कोडों को पढ़ना समझना, ठीक है, ये कोड मैं आपको शेयर करूंगा, एक एक लाइन के कोड को आप चला चला के देखना। ओ, बैटरी बंद हो जाए, चार्जिंग, ठीक है। तो सेल्स आप समझ गए हैं कैसे काम करते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ, वो नई चीज क्या देखिएगा, मान लीजिए मुझे टारगेट क्या था, इन दोनों में दो नंबर लिखने थे ना, वो लिख के दिखा देते हैं आप। मैं लिखूंगा सेल्स 1,2 और इसमें एक वैल्यू डाल दूंगा समथिंग लाइक 12, फिर लिखूंगा सेल्स 2,2 और इसमें एक वैल्यू डाल दूंगा समथिंग लाइक 32। अब मैंने दोनों सेल में दो दो वैल्यू डाल दी, एक एक वैल्यू डाल दी है। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो दोनों में वैल्यू दिखेगी, दैट्स अ वैल्यू। चलिए, अब एक चीज और सिखाते हैं कि मान लीजिए ये दो वैल्यू मैंने इसमें डाला, अब इसका जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल, तो टोटल आंसर मैं कैसे लाऊंगा वो देखिएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर सेल्स 3,2 वैल्यू, और इसके अंदर क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू को ऐड करूंगा इसमें, देखिएगा, इसको ऐसे उठाया यहां से, कॉपी एंड यहां पर करा पेस्ट, और इसमें करा प्लस, और ये वाली वैल्यू उठानी है आपको, फिर से उठाना, ट्राई करना, उठेगी जरूर, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे रन कर दूंगा, सो आई अगेन क्लिक ऑन रन। अच्छा, एक एक करके कोड को रन करना है, जैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन को आप एग्जीक्यूट करते हुए देखना चाहते हैं कि यार कोड कैसे चलेगा, एक एक लाइन को अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कोड मेरा कैसा दिखेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट करूंगा, पॉइंटर को रखो यहाँ पर बिगनिंग में, कहीं पर भी रख दो मैक्रो में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कीबोर्ड से प्रेस करनी है एक शॉर्टकट की, ध्यान से सुनना, उस शॉर्टकट की का नाम होगा F8, ये याद रखिएगा, मैं इसको नीचे करके लिखता हूँ अलग से, F8 नोट कर लो कहीं पर। इसको यूज क्यों करते हैं, स्टेप इनटू के लिए, स्टेप इनटू के लिए, इसका मतलब होता है लाइन बाय लाइन, अगर आपको कोड चलते हुए देखना है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करना है, तो F8 दबाना है आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे, अब एक एक करके लाइन चलेंगे आपके सामने, देखना, F8 मैं दबाने जा रहा हूँ, ये मैंने दबाया, अब ये आ रहा है, जो लाइन येलो कलर में दिखती है इसका मतलब है वो इस लाइन पर पहुंच गया है, अब इसको एग्जीक्यूट करने वाला है कोड आपका, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, तो तुरंत वो 12 ले आया, देखो यहाँ पर, अब ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करने जा रहा है, देखिए 32 आ गया, अब वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ये देखिए 44 आ गया। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट ऑल्सो, ओके, वेरी नाइस। तो ये तीनों लाइनों का कोड भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो कंप्लीट एक ऐसे ही आपको कोड मिलता हुआ दिखेगा, एक एक लाइन के कोड को समझना, उस पे बाद में मेहनत करना। चलिए, सेल्स पे कैसे काम करते हैं मैंने आपको सिखाया, अब मैं आपको थोड़ा रेंज पे काम करना सिखाता हूँ। रेंज का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे को इस पूरे एरिया में कुछ लिखना है, तो अभी तक आप एक एक सेल में डाटा डाल रहे थे, अब आपको रेंज पे डाटा डालना सिखाऊंगा, ऐसे काफी सारे रेंज है, काफी सारे सेल है, उनमें कुछ लिखना है, जैसे मैंने ये रेंज ले रखी है, इसमें मुझे कुछ लिखना है, तो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट है, A1 से लेकर C7, तो A1 से C7 तक मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं काम करूंगा रेंज पे। तो काम करने का तरीका वही है, तो सबसे पहले मैं आपको दिस वर्कबुक की मदद से बताऊंगा, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, शीट का नाम लिखा मैंने शीट 1, यानी ये शीट 1 में लिखेगा, यहाँ नहीं करेगा काम, शीट 1 में करेगा टारगेट, और यहाँ लिखना है रेंज, रेंज दे दी मैंने A1 से लेकर C7 तक की, और यहाँ पर लिखा वैल्यू, और वैल्यू में डाल दिया VBA,
तो ये क्या करेगा, इस पूरी रेंज को टारगेट कर देगा और वहां पर वीबीए लिख देगा। चलो मैं रन करके दिखाता हूँ, ये मैंने बटन दबाया, उसने कर दिया। किसको करा टारगेट? शीट वन को। तो शीट वन में गोलियां चल चुकी हैं, देखिए ये देखिए चल गया डाटा। तो कुछ इस तरीके से ये कोड जो है आपका काम करता है। लेकिन मुझे अगर शीट टू पे ही काम करना है, ऑलरेडी खुला हुआ है शीट, तो इतना बड़ा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोटा सा ये कोड भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैं छोटा सा ये कोड भी यहाँ लिख सकता हूँ। तो मैं इसको रन करूंगा, जो शीट मेरा खुला हुआ होगा कोड वहां पर रन हो जाएगा। तो मैंने मान लीजिए शीट थ्री खुला हुआ है, कहीं पर भी पॉइंटर को क्या फर्क पड़ता है, आप रन करें और ये इस रेंज में टारगेट करेगा। ये देखिए रेंज में टारगेट किया, गोली चल गई। शीट टू पर जाता हूँ, रेंज में टारगेट किया, गोलियां चल गई। आई थिंक रेंज एंड सेल पे काम कर लोगे आप। चलिए अब आपको आगे बढ़ाते हैं, एक और छोटा करता हूँ कोड को, धीरे धीरे आपको एक्सपर्ट बना देंगे इसमें। रुकिए थोड़ा बड़ा करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इन सेल्स में कुछ लिखना है, तो इतना भी टाइम नहीं देना है, हम छोटे तरीके से लिखेंगे। अब देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा A1 वैल्यू, तो वो अपने आप A1 के अंदर कुछ भी लिख देगा जो मैं डाल रहा हूँ। 8 लिखा मैंने इसमें, देखिए आ गया ना 8 1 में 8, यानी जो भी शीट में खोलूंगा उसमें 8 आ जाएगा। देखो A1 में मतलब और छोटा कर दिया, मतलब कितना भी छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा चाहिए। तो और छोटा हो गया, कभी भी एक सेल में कुछ काम करना हो तो सेल लिखने में काफी बड़ा वक्त हमारा खराब होता है, ऐसे कर लो। पर्टिकुलर सेल में जाना है, जैसे मुझे इस पर्टिकुलर सेल में जाना है, कई बार हम ऐसी जगह पर होते हैं वहां पर हम रो और कॉलम को काउंट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर ये नंबर याद रखो आप E17, तो टारगेट करेंगे आप E17, तो डायरेक्ट वहां पर वैल्यू जाएगी आपकी। मैंने डाला 98, कोड को रन किया, ये आ गया 98। सुपर, ये तरीका भी है हमारे पास। चलिए इसको भी कमेंट करते हैं। तो ये रेफरेंस होते हैं। अब आप एक्सेल की किसी भी शीट में जाके, किसी भी सेल में जाके, किसी भी रेंज में जाके कुछ भी कर सकते हो, इतना कोड अब आप समझ गए हो। चलिए अब मैं आपको फॉन्ट पे काम करना सिखाता हूँ। फॉन्ट से पहले मैं सिलेक्शन पे काम करना सिखाता हूँ। अभी तक क्या होता था कि जिस भी सेल का नाम, नंबर, रेंज में जो आप डालते थे वो उसी पे गोली चलाता था। अब हमें क्या करना है कि मैं माउस से जो सिलेक्ट करूं उसमें डाटा आए। अगर कल को मैं यहाँ पॉइंटर रखूं तो यहाँ पे आना चाहिए रिजल्ट मेरा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक और ऑब्जेक्ट, दैट नेम इज सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। तो हम यूज करेंगे सिलेक्शन प्रॉपर्टी का। तो मैं यहां पर कमिट करके लिखता हूं सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिलेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है। तो मैं लिखूंगा यहां पर सिलेक्शन डॉट वैल्यू, और जो भी वैल्यू डालनी है, मैंने डालना है वीबीए, हो गया बस इतना सा काम है। देखिए मैंने मान लीजिए ये सिलेक्ट किया हुआ है, आ गया ना वीबीए। कल को मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, सुपर। अब मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, आ गया। मान लीजिए मैंने ये सारा किया हुआ है, आ गया। इज इट क्लियर? यहां तक प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे क्लियर है सिलेक्शन वैल्यू। चलिए अब मैं आपको फॉन्ट पे काम करना सिखाता हूं। फॉन्ट पे काम करने के लिए क्या करना होगा, अब आगे की प्रॉपर्टी है फॉन्ट प्रॉपर्टीज। मैं आपको एक बार कोर्स कंटेंट दिखाना चाहूंगा, तो ये था उसको कॉपी करने का कोड, ये डन हो गया। अब मैं आपको फॉन्ट की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। फॉन्ट प्रॉपर्टीज, तो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज पे आप कैसे काम करेंगे, देखिए जरा। ये मेरे पास मान लीजिए डेटा है, सो दिस इज माय डेटा, और इसके फॉन्ट पे मैं काम करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर ले। चलो यहीं से देख लेंगे प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले मैं इसका साइज बड़ा करना सिखाऊंगा आपको। तो साइज कैसे बड़ा करते हैं, आप लिखेंगे रेंज A2 से लेकर A5, क्योंकि इन सभी को करेंगे हम। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे फॉन्ट, और यहां पर आएंगे साइज, कितना करना है साइज 22 करके देखते हैं। रन करके देखो, भाई 22 हो गया साइज, देखो हो गया वो रन, ठीक है टाइम ले रहा था बट हो गया। तो इसका साइज 22 हो गया, कम करके देखते हैं। मैं इसका साइज 12 करता हूँ, 12 हो गया, ठीक है 12 बहुत है, लेकिन थोड़ा 18 19 करते हैं, 16 करते हैं, ठीक है चल रहा है कोड, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको बोल्ड करना सिखाता हूँ। आपने लिखना है रेंज A2 से A5 देन फॉन्ट बोल्ड, प्रॉपर्टी को कर दीजिए ट्रू। अब देखिए बोल्ड भी हो जाएगा, बड़ा तो है ही बोल्ड भी हो गया। चलो इटैलिक करना सीखते हैं, रेंज A2 टू A5 देन फॉन्ट डॉट इटैलिक, अब कर दीजिए इसको ट्रू, तो ये इटैलिक भी हो जाएगा ना, सुपर। अरे हो जा भाई, होगा होगा क्यों नहीं होगा, हो गया इटैलिक, ठीक है बटन ढंग से दबाना है बस। ओके अब मैं इसको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, रेंज A2 से A5, आप जो रेंज देंगे, अगर मैं कल को यहाँ पर A2 से A3 दूंगा तो A3 तक जाएगा ये, मैं पूरा दे रहा हूँ फिलहाल।
फोन डॉट अंडरलाइन और ये भी कर दिया मैंने ट्रू, भाई पीछे सेमी कॉलन नहीं आता, ये ध्यान रखना है। ये देखिए अंडरलाइन भी आ गया, ठीक है। चलो कलर चेंज करना सिखाते हैं आपको, इनका नाम बदलना सिखाता हूँ पहले तो, a2 to a5 dot font dot name। तो जैसे कि इसका क्या नाम है, कैसे पता चलेगा, इसको बड़ा करो पहले। देखो इस सेल का जो नाम है वो होम टैब में बदला है, इसका नाम है कैलिबरी। कौन से सेल में करूं मैं इसको, एरियल में करके दिखाता हूं, एरियल तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। देखो किस में बदले यार, एरियल में बदल देता हूं, कुछ तो बदलेगा, कोई ढंग का सा फॉर्मेट लेते हैं। चिल्लर, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये नाम मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए। चलिए भाई मेरे को चिल्लर मिल गया है, चिल्लर पे काम करेंगे हम, चिल्लर पे। तो ये डाटा मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालना है आपको, ठीक है। ओ कॉपी नहीं हुआ, पता नहीं, मैं डाल देता हूँ, स्पेलिंग ठीक होगी तो आ जाएगा। चिल्लर डाल दिया, टेक्स्ट वैल्यू थी तो ऐसे डालना है। तो मैं इसका पहले जो फॉर्मेट है हटा देता हूँ, शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट हटाने की, क्या होती है, ऑल्ट एच ई एफ। देखिए फॉर्मेट हट जाता है किसी भी सेल में आपने कुछ लगा रखा हो ऐसे। अब एक एक करके लाइनों को एग्जीक्यूट करूंगा, F8। ये देखिए पहले बड़ा होगा, फिर बोल्ड होगा, फिर इटैलिक होगा, फिर अंडरलाइन होगा, फिर लैंग्वेज बदल जाएगी। आ गया यहां तक समझ। चलिए अब इसका हम कलर चेंज करना सीखेंगे, पहले तो फॉर्मेट हटाते हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये फॉर्मेट। तो ऑल्ट एच ई एफ, अरे हट जाए मेरे भाई, ऑल्ट एच ई एफ हट गया। अब हम इस के ऊपर कलर लगाना सीखेंगे, तो आपको लिखना है रेंज a2 to a5 dot font dot color। कोई भी कलर आप दे दीजिए, मेरे को ग्रीन देना है, मैंने बीबी ग्रीन लिख दिया। अब मैं रन करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये हो गया ग्रीन। कल को बदलना है आपको कलर, यार अच्छा नहीं लग रहा तो आपको बता देता हूँ, इसमें काफी सारे कलर होते हैं, बीबी ग्रीन होता है, रेड होता है, ठीक है, वाइट भी होता है। अब वाइट तो दिखेगा ही नहीं आपको, कोई बात नहीं, ब्लैक होता है, ठीक है, और क्या होता है इसमें, और ब्लू भी होता है, और क्या होता है भाई, और भी होते हैं कलर। तो मर्जेंटा होता है, स्पेलिंग नहीं पता बट मेरे को देखना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी। रेड ग्रीन ब्लू भाई, येलो, येलो कर दिया। अब एक बार ट्राई करते हैं सभी कूड़ों का स्टेप बाय स्टेप F8 के साथ। टक 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 टक, ये ग्रीन हुआ, अब ये रेड होगा, अब ये व्हाइट हो जाएगा, अब ये ब्लैक हो जाएगा, अब ये ब्लू हो जाएगा, अब ये येलो हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अब मैं आपको कलर बनाना सिखाऊंगा, कोई भी कलर डाल सकते हो भाई, आपको डिपेंडेंट है कि 6 कलर होते हैं आपको। अब मैं दुनिया का हर कलर बनाना सिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको कोई कलर डालना है तो कलर का कोड बनाना सिखाऊंगा, आप कलर के कोड से जाइएगा। जैसे यहाँ पर आए आप मोर कलर पे, तो यहाँ पर कस्टम होता है, यहाँ पर कोई भी कलर आप अपनी इच्छा का बनाओ। देखो ये तो सिंपल चीज है, हम बेसिक में पढ़ते हैं, तो आप कोई भी कलर पैटर्न यहाँ से बनाओ। कलर ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये कलर आ गया। अब इसका नंबर आ रहा है कोड में RGB का, 41 193 59, इसका यूज करना है। याद कर लीजिएगा नंबर, मैं तो भूल जाता हूँ, 41 193 59। अब देखिए मैं, अरे बंद हो जा भाई, अब देखिए मैं यहाँ लिखूंगा RGB 41 193 68 था, पता नहीं 59 था, जो भी था मैंने लिख दिया, ये कोड डाल दिया मैंने अब, ठीक है। तो बाकी सबको मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सीख गए हैं अब ये। अभी रन करूंगा, देखना कलर कैसा हो जाएगा। हो गया कलर, जैसा बनाया था वैसे ही हो गया, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। तो कलर पे आप काम कर लेंगे। अब मैं बैकग्राउंड कलर पे काम करना सिखाता हूँ आपको, तो 8 घंटे में तो एक्सपर्टाइजेशन हो जाएगी आपकी वीबीए में। अब मैं बताता हूँ आपको हाउ टू वर्क ऑन सेल बैकग्राउंड कलर। तो देखिए सेल के बैकग्राउंड कलर पे काम करते हैं, इसी रेंज पे काम करूंगा मैं लिखूंगा रेंज a2 to a5 dot interior, लिखना है उसके लिए इंटीरियर डॉट कलर, कोई भी कलर दे दो। अभी कलर डालने तो सिखाई है मैंने, तो बीबी ब्लू कर देता हूँ। रन करो, देखो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, आया समझ? ठीक है, फॉन्ट का कलर व्हाइट होता तो ब्लू में दिखता, बट ठीक है जो भी हुआ लगा दिया। तो यहां तक आपने सीख लिया है, इसको भी फॉर्मेट को हटाते हैं, ऑल्ट एच ई एफ। मुझे बताएं
यहाँ तक बहुत है आज के लिए, या और बताऊँ थोड़ा, अभी 18 मिनट है मेरे पास, है ना। ये पूरा कोड आई एम जस्ट गिविंग यू। तो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और ये पूरा कोड मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना। जस्ट वेट।